मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोहणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जेतु शास्त्र नमः श्री वर्तमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते सर्वदिशा संजयवंत वर्ते सर्वदिशा संजयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते अविचिन रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ति। देवाधिदेव शासनक महावीर भगवान की, चंद प्रभु भगवान की, गौशंगणी माता की, अकम्पनाचारी सप्तशतक महामुनीश्वरों की, विष्णु कुमार मिराज की, आचार्य जयसेन महाराज की, आत्मा में कोई असुरक्षा है नहीं, इसीलिए आत्मा में रहने वाले के लिए कोई असुरक्षा नहीं है। सहज सुरक्षित चैतन्य किला है, उसमें तू छुप जाएगा तो तेरी सहज सुरक्षा हो जाएगी। भगवान आत्मा, आचार्य भगवान लिखते हैं, अव्यावाद है। अव्यावाद कहें सुरक्षित कहें, क्योंकि उसमें समस्त दुष्ट अग्रूपी वीर शत्रुओं की सेना के उपद्रव को अगोचर ऐसा सहज ज्ञान गण में रहने वाला होने से अव्यावाद है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इस सहज ज्ञान ये तेरा किला है, ये तेरा गढ़ है जहां तू सुरक्षित रह सकेगा। अपनी सुरक्षा अपने में है, अपनी मर्यादा में है। पानी की बूंद की सुरक्षा उस सागर में है, सागर से बाहर जाएगी तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। भले ही वह तवा पे गिर गई तो सत्ता ही नहीं रहेगी, पर स्वाति नक्षत्र में अगर वो चली गई है, वो बूंद गिरी और वो जल में चली गई तो बड़ा वर्क। लेकिन अगर वो बूंद उसमें गिरी तो मोती तो बन जाएगी पर जल नहीं रह पाएगी। तो जल की बूंद की सुरक्षा तो सागर में ही है, ऐसी तेरी परिणति जो ज्ञानमय है, सुखमय है, प्रभुतामय है, आनंदमय है, ऐसी परिणति की सुरक्षा तो जो ज्ञानमय, सुखमय, आनंदमय, प्रभुतामय अपना चैतन्य भगवान है उसमें रहने में है।
समझ में आया। आत्मा सहज सुरक्षित है, आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण करने पर ही सुरक्षित हुआ जा सकता है। सीमा में रहने में सुरक्षा है। अगर तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो तो सीमा में रहो, पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाओ और फिर असुरक्षा हो तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कुछ कुछ कहो, ये तो अन्याय है तुम्हारा। ऐसी शरीर की सीमा में प्रवेश कर जाते हो फिर कहते हो धर्म का कुछ अतिशय नहीं। अरे तुम धर्म किसका नाम है? शरीर ही देखने का नाम धर्म है। शरीर में बैठकर धर्म को नापना क्यों चाहते हो? तो आत्मा की सुरक्षा, बाहर असुरक्षा है, अंदर में सुरक्षा है। बहुत बड़ा कर्फ्यू भी लगा हो लेकिन उस काल में भी जो अपने घर में बैठा है वो सुरक्षित है, और चौराहे पे बैठा है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी अपने आत्मा में बैठा है भाई सुरक्षित है। रक्षा करना चाहते हो, कौन कौन की रक्षा करे? हमारे पास है नहीं है भजन, पिछली साल पंडित साहब को भजन सुनाया था, कैसा बंधन कैसी रक्षा, व्यर्थ विकल्प करे रे, ये निर्बंध सुरक्षित आत्म दृष्टि क्यों ना धरे रे। किसकी सुरक्षा, कैसी सुरक्षा? उसी प्रकरण में आगे आया है, लोक में जो आपका चलता है तो भाई बहन को क्या प्रेरणा देते हैं। बहन न मेरी और निहारो, अब अपनी और निहारो, स्त्री रूप नहीं है तेरा, ज्ञायक रूप समारो। तू सोच रही है कि भाई मेरी रक्षा कर देगा, कि जिस परिणति में आत्मा भाएगा वही तेरी रक्षा करेगी। इसलिए अगर रक्षा चाहते हो तो सुरक्षित चैतन्य किला में चले जाओ, तुम्हारी सहज रक्षा हो जाएगी। कथा लेने वाले अपन सुरक्षित चैतन्य किला, अभेद चैतन्य किला, उसका सिद्धांत, उसका ज्ञान, उसमें लीनता। सम्यक दर्शन से सुरक्षित हो गए, सम्यक ज्ञान से सुरक्षित हो गए, सम्यक चैत्र में सुरक्षित हो गए। नियमों का पालन करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। यात्रा के नियम है, सुरक्षित यात्रा करना है तो यात्रा के नियमों का पालन करो। तोड़ोगे तो क्या होगा बोलो? चालान तो एक तरफ है, चालान ना भी हो तो कहो हैं? आखिर सिर तो आपका है ना, बोलो। अगर वो नहीं लगा के जा रहा है, वो ऐसा जा रहा है तो कह रहा हो, सिर तो आपका ही है ना। ऐसे ही तो हिंसा झूठ चोरी आदि में प्रवर्तन कर रहा है, कर्म बंद हो जाएगा। कर्म बंद तो ठीक ही है, जब होगा तब होगा, तत्काल ही सिर फूटेगा ना, यानी पाप परिणाम से तेरा घात होगा। जब पाप परिणाम से बंधा हुआ कर्म उदय में आएगा तब आएगा। क्या गजब की लौकिक व्यवस्थाएं हो गई हैं कि चौराहे से निकल गया है तो घर रसीद लेके पहुंच जाते हैं भाई, कितने बजे। वहां से तो निकले थे ना, चलता ना,
वो निकल गया ऐसा ही बिना हवा के, हेलमेट के बिना लाइट के उसमें ही निकल गया, पूरा फिक्स हो गया। ऐसे ही जो तूने प्रणाम किया कर्मों ने बंद कर लिया, और फिर वो आएगा घर लेने। कहाँ, तुम क्या समझ रहे थे किसी ने देखा नहीं है? कर्म रूपी कैमरे सर्वत्र लगे हुए, चौराहे पर कैमरे लगे हैं तो डर लगता है कि अगर हम निकल गए तो पैर कट तो जाएंगे। भाई सर्वत्र लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना, जब सम्यक दर्शन में सुरक्षा है तो देव सद्गुरु की श्रद्धा में सुरक्षा है। व्यवहार ले परमार्थ से तो आत्मा की रुचि में सुरक्षा है, तो देवगुरु धर्म के श्रद्धा में सुरक्षा है, शास्त्रों के अभ्यास में सुरक्षा है, व्यवहार ले रहे अहिंसादिक व्रतों में सुरक्षा है। सुरक्षा करना चाहे हमारी कोई रक्षा करे, कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? निशंकता तुम्हारी रक्षा करेगी, निकांचितता तेरी तुम्हारी रक्षा करेगी, निर्विचिकित्सा तुम्हारी रक्षा करेगी। जगत की बातों में इधर उधर लोग कहेंगे उस समय अमूढ़ दृष्टि तुम्हारी रक्षा करेगी। जगत क्या कहता है सुनने लायक नहीं है, भगवंत क्या कहते हैं सुनने लायक है। उपभुवन अंग तुम्हारी रक्षा करेगा पराई निंदा आत्म प्रशंसा रूप से, परिणति आत्मा से बाहर जाएगी स्थितिकरण तुम्हारी रक्षा करेगा, राग बढ़ेगा वात्सल्य तुम्हारी रक्षा करेगा, फिर भावना तुम्हारी रक्षा करेगी। अहिंसा से रक्षा है, सत्य में रक्षा है, शील में रक्षा है। किसमें रक्षा है? शील में रक्षा है, नियम के पालन करने में तुम्हारी सुरक्षा है। नियम मतलब क्या? नियम सार परम सुरक्षित है, और नियम परम सुरक्षित नियम सार तक ले जाते हैं। तो अहिंसा में, सत्य में, आचोर में, सील में, परिग्रह के परिमाण में तुम्हारी सुरक्षा है, नियमों में तुम्हारी सुरक्षा है। स्वतंत्र है, काय के लिए स्वतंत्र के मर्यादा में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। देश स्वतंत्र हुआ, आओ किसी का हो गया थोड़ा सा दिमाग ऐसा पागल जैसा, होगा कोई था तो समझदार बन रहा तो पागल जैसा दिमाग, तो रोड पे जाकर लेट गया रोड पे, और क्या बात है क्या बात है, बोले तो देश स्वतंत्र है, कहीं भी लेट हो कहीं भी कुछ करो आराम, देश स्वतंत्र। असलो परेशान, क्या करें क्या करें क्या करें, लेन लग गया, जाम जाम लग गया गाड़ियों का, स्वतंत्र है स्वतंत्र है। तब एक व्यक्ति आया कि सुनवाई दे स्वतंत्र है कि हाँ, अगर तू सड़क पर लेटने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी गाड़ी चलाने के लिए स्वतंत्र है। स्वच्छंद होकर के पाप हो करेगा तो उनका फल भी भोगने के लिए फिर तैयार हो जाना, स्वतंत्र है ना, तो स्वतंत्र हो जा फिर। तू जब कहता है पाप परिणाम को ना आत्मा जाता है, तो नरक भी आत्मा नहीं जाता, जिसने किया वो जाएगा। द्रकाली द्रव की बात करता है तो समझो, सील हमारा सुरक्षा कवच है, ये नियम हमारे सुरक्षा कवच है, आत्मार्थ की रक्षा करने वाले हैं। तो अगर वास्तव में तुम रक्षा बंधन पर्व मनाना चाहते हो तो बंधन में रक्षा है कि नहीं है? कहे हाँ है बंधन में रक्षा। कौन से बंधन में? नियम रूपी बंधन में, संयम रूपी बंधन में तुम्हारी सुरक्षा है। वो किसको बांधना है? कि वो स्वयं को बांधना है, राखी बांधी कि नहीं बांधी? कि पंडित जी सीधे लेट हो गए, हम राखी बांध बांध के आए, रक्षा सूत्र बांध के आए, तो रक्षा सूत्र क्या है? वो धागा कोई रक्षा सूत्र नहीं है। बहन ने भैया को माँ बांध दी, हम तो आज विचार कर रहे थे कि अगर इस महान पर्व के समय, पर्व मतलब पवित्रता, पवित्र स्वभाव के समीप रहे,
तो वीतराग परिणति के पर्व है, सदुपयोग के पर्व है। आचार्य महाराज कहते सोपयोग के साथ भी मन गया तो हानि है, और असोपयोग के साथ तो महान है। कितना विकृत है, आज तो वितरागता विरागता बढ़ाने के दिन है। विष्णु कुमार महाराज को याद करें, अकंपनाचार्य आदि भगवंतों को याद करें, विष्णु कुमार जैसा व्यवहार, अकंपनाचार्य महाराज जैसा परमार्थ, श्रेयांश भगवान नाथ भगवान की मुक्ति, ये याद करने का दिन है। अगर आपको भैया और बहन, बहन और भैया बस इतना ही याद आता है तो आप लौकिक जीव हो, बस लौकिक जीव हो। वो मात्र याद रहा तो पाप, साधर्मी याद आए तो पुण्य, स्वधर्मी याद आया तो धर्म। क्या बोल गए, याद रहा तो बस पाप, क्या करेगा भाई। मेरी बहना तू ज्ञाता ध्याना, अगर लोक में ही प्रेरणा करना हो तो इतना करना। अंतर मुखे हो जाना चिदे गाने चिदानंदना, को क्षण क्षण में बाना। मेरी बहना तू ज्ञाता ध्याना, अंतर्मुखी हो जाना, ये बहिर्मुखी परणाती, यहाँ सुरक्षा नहीं तेरी, अंतर्मुख परणाती में सहज रक्षा तारी, तू अंतर मुख रहना, ध्रुव ज्ञाता प्रभु बना। मेरी बहना तू ज्ञाता ध्याना, अंतर मुख हो जाना, विषयों से ओ कबीरा, शुद्ध तत्व गहरे अनुराग, तप में ही निरत हो चेत, सत्संगा तुम रहे मात, गुण मणि गण का समूह, ऐसे ज्ञाता को तू पाना। मेरी बहना तू ज्ञाता ध्याना, अंतर मुखे हो जाना, जब दर्शन होंगे निज के, कहीं अपना त्व नहीं आए, सर्व संकल्प टूट जाए, निज में संकल्प जब आए, अद्भुत से अद्भुत ज्ञाता, एक बार तो तू लखना। बंधु किसका नाम है, बंद से छुड़ा है उसका नाम बंधु है, कर दो कम आवाज, वैसे कम लोग। बंधु बंद से छुड़ा है, बंद में निमित्त बने वो बंधु नहीं है, ये बंधु जो बंद से छुड़ाए तो कौन है बंधु, कि आत्मा ही वो बंधु है जो बंद से छुड़ाने वाला है। सम्यक कौमदी कथा आता है क्या यार, सम्यक ही भाई है, सम्यक ही भाई है, इसलिए वास्तव में
साचा बंधु भी व्यवहार ने से भी वो ही है जो निर्बंध क्या है को दिखाए। किससे बंध जाओ? अपने से जुड़ जाओ, अपने में तृप्त हो जाओ। दोबारने से भी ये प्रेरणा दो, सील से सजे रहना, अहिंसा से सजे रहना, सत्य से सजे रहना, हैं? अपनी मर्यादा में रहना, तुम्हारी सुरक्षा होगी। तुम्हारी सुरक्षा, चाहे जैसे मोबाइल की यहां वहां बातें करना हो, तुम्हारी सुरक्षा नहीं रहेगी। गिफ्ट मत मांगो, मात्र बाहर के ये मांगो, तुम पूजा करियो, स्वाध्याय करियो। हम तुमसे कह रहे थे कि राखी बांधी के नहीं बांधी, ये तो तुम्हारा लोक व्यवहार है। आज कोई ना कोई नियम में बंध जाओ, और नहीं बंधे तो तुम्हारी कलाई तो सुनी है उपयोग की। समझ में? अगर कलाई सुनी हो तो कैसा लगे? आज बता हमारी कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे तुमने सोया से एक नियम ही नहीं लाओ, अगले साल तक के लिए राखी बांध लो। क्या एक साल तक हमारा ये नियम है, समझ लो तुम्हारी वो राखी बनी रही। कब तक? एक साल तक कम से कम। भगवंतों के भगवान को बांध गए, लेकिन नियम तो लेके जाओ। कुछ चौकी को बांध गए, नियम लेके जाओ। रोजाना आके बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे तो ये चौकी रखेंगे, चौकी को ऐसे ही नहीं रहने देंगे। समझ में? गुरु महाराज की पीछी को बांध दिया, मतलब संयम को। पीछी को बांध दिया तो क्या हो गया? तो पीछी को बांधना मतलब क्या? कहां देखो गुरु महाराज को पीछी? गुरु महाराज की पीछी अहिंसा है, हैं? सत्य है, आचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। पीछी को बांध दिया मतलब संयम को बांध लिया अपने जीवन में। महाराज पीछी दिखाते हैं, इसका अर्थ क्या? सुखी होने के लिए संयम धारण करो। महाराज हमारे सर पर पीछी रख लो, रख दो कि हम का रख दे, तुम रख लो है? एक तो बोले भैया हमारी ये तो सोचने के लिए, तुम्हारे तुम्हारे जुआ जराने के लिए नहीं। थे हम पहले बचपन में रहते थे, अरे एकदम कड़क भैया जाके ले नहीं, और फिर अच्छा रख दो महाराज, और वे नहीं आ जाए ने महाराज। अरे रे भाई तुम रखो ना, महाराज की नहीं रखी, माता जी की तो रखवा सकत। हाँ माता जी की रख लो, कम से कम जब तक श्वेत साड़ी ना आए तब तक योग्य साड़ी पहनोगे, योग्य वस्त्रों को पहनोगे, योग्य चाल चलन चलोगे। ये माता जी की पीछी बांध दी तुमने, और क्या? भैया आप राखी बंधवाते? बिल्कुल बंधवाते, कौन बांधने तैयार है? मतलब क्या? क्या आप नियमों को संयमों को ग्रहण करो। हम तो जब से थोड़ा सा होश और अध्यात्म का आया था, हम ये कहते कि ये तो ठीक है, ये जो कछुए नियम लो, स्वाध्याय करेंगे। नियम लो, हर समय हम अपने को आत्मा देखेंगे, परमार्थ में होती हुई कार्य के अकर्ता रहेंगे, भोगों में सुख बुद्धि का त्याग करेंगे। सेज ज्ञाता दृष्टा देखेंगे, ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। भगवान को भी राखी बांध सकते हो, बांध जाओगे? काय बांधोगे भगवान को राखी? कैसे बांधोगे रक्षा सूत्र भगवान को? कि भगवान ने जो नियम बांध बताए हैं उनको अपनी परिणति में ले आओ। मजा के भगवान को राखी बांधने की जरूरत नहीं है, यानी भगवान ने जो बताया है। आज मंदिर जी की पूरी हो, ठीक है, इस मंदिर को मैं अपना तो करेंगे, भैया वृद्धि करेंगे, सेवा करेंगे, यहाँ अपना तो लाएंगे, यह हमारा है, यहाँ हमारी सुरक्षा है। आज एक ही नहीं, अहिंसा को बांधो, सत्य को राखी बांधो, आचार को बांधो, शील को बांधो, सम्यक को राखी बांधो। कैसे बांधोगे सम्यक को? अविधर वाले बांधते हैं अधिकतर, तो कैसे बांधोगे? परद्रव्य से भिन्न अपने को आत्मा देख लो, देवगुरु धर्म के श्रद्धानी हो जाओ। तो नियमों को ग्रहण करो,
अभी नियम विचार तो करो, पूरा पूरा दिवस हमारा व्यतीत हो जाए और हम याद ही ना करें, क्योंकि तुम्हारे रक्षा सूत्र है क्या? तुम्हारे रक्षा सूत्र तो अहिंसा है, सत्य है, अचोर है, शील है, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। गुरुजनों का अनुशासन तुम्हारी रक्षा करेगा है? ये गाय तेरी सुरक्षा खूटा से बंधने में, वो बंधन मत समझो सी, उसमें तेरी सुरक्षा है, क्योंकि कत्ल खाने वाले को दौड़ रहे थे चौराहे पर, तो गाय को लाकर बढ़िया अपने बाह में बांध दिया, वो समझते हैं बंध गई, बंधन गई नहीं बच गई, नहीं तो चौराहे से को उठा ले जाएगा। ऐसी हमने कहा प्रतिज्ञा लो सील का, बंध गए हम तो, बंध नहीं गए, क्या हो गए? बच गए। हम डीजों पे नहीं नाचेंगे, हम चौराहों पे नहीं नाचेंगे, हम उल्टे सीधे कार्य नहीं करेंगे, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। अब समूह होता ना, हम तो कहते कौन कौन राखी बांधने तैयार हो जाओ तैयार। समझ में कि नहीं है? ये है, हम साधनियों में बासल रखेंगे, दान परोपकार आदि कार्यों में प्रवर्तेंगे, और प्रवर्तते हुए हर क्षण अपने को ज्ञाता देंगे। पकड़ में आया कि नहीं? ये योग व्यवहार में प्रवर्तेंगे, और योग व्यवहार में प्रवर्तते हुए उससे भी वेद ज्ञान करेंगे। ये भी ये पुद्गल के खेलन में ना ही हमारों में। अखबार पढ़ते नहीं लिखिए लेन, समय ज्ञान चंद्रिका की टीका पूरी करने के बाद लिखिए, ये सब है पुद्गल के खेलन में ना ही हमारा, इतना महान ग्रंथ लिखने के बाद। और भक्ति भी कैसी आई है, धन्य धन्य तुम्हारी सो काज सब आज भयो। जब कह रहे हैं तो कर्तामान भगवंत आपकी कृपा से हमारा ये समय ज्ञान चंद्रिका टीका पूरी हुई पंडित जी टोटरमल जी। तो रक्षा सूत्र बांधो, चौकी में बांध रहे हो तो स्वाध्याय का नियम लो, वेदी में बांध रहे हो तो पूजा का नियम लो, मंदिर का नियम लो। ये राखी बंध गई मतलब क्या? बिल्कुल नियम से बंध गए, मंदिर में आना है, सेवा भैया वृत्ति करना है। अरे धर्म की आप रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। पहले दिन का याद करो, एक बार आप नियम पालो तो जीवन भर नियम आपको पालेगा। ऐसी धर्म की या धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो मतलब क्या? धर्म को अपने जीवन में लाओ, एक क्षण मत भूलो। क्रोध आए धर्म की रक्षा करो, कौन से धर्म की भैया? पीयूष, क्षमा की। मान आए रक्षा करो, कौन से धर्म की? मार्दव की। ये मारने वाला आ गया, सरल मायाचारी के परिणाम आए रक्षा करो, आज जब से अपनी बात उसको रोको, निर्लोभी रहो, सत्यता का सेवन करो। प्रभु कह रहे हैं उसको अपने जीवन में लाओ। तो भैया आत्मा की सुरक्षा आत्मा में है, और व्यवहार से आत्मा में रहने वाल जो आत्मा में रखते हैं, ऐसे भगवंतों, ऐसे संतों, ऐसी माँ जिनवाणी और उनके द्वारा बताई हुई व्यवहारिक नियमों में परमार्थ रक्षा तेरी तेरे में है, और व्यवहार रक्षा जो आत्मा में रखते हैं उनके निकट रहने में। तो अपने वास्तव में यदि ये नियम लिया प्रसन्न चित्त से, इसका नाम है मिष्ठान। इसके लिए अहिंसा धारण करी प्रसन्न चित्त होकर के, तो ये मिष्ठान खिलाया किसको? अहिंसा व्रत को। ये राखी बंध गई, नियम बैठ गया, गोला लिया, तुम्हारे चलते है ना। क्या है कि हम संकल्प करते हैं अपने नियम को कभी नहीं तोड़ेंगे। तो आज भैया आज रक्षा सूत्र अपनी परिणति में बांध लेना। देखो मुनिराजों ने कैसे वात्सल्य निभाया, मुनिराज ने, विष्णु कुमार मुनिराजों ने नहीं, मुनिराज बहुत नहीं, अकेले एक मुनिराज अपना सर्वस्व निछावर करके आए, सुबह कथा ली थी,
और वे स्वरूप में बैठे थे अकंप स्वरूप में। सहज सुसागर होने पर भी कैसी विनय थी उनको, समझना भाई, अपनी रक्षा करना, अपनी रक्षा। ये बंधन का पर्व नहीं, बंधन से मुक्त होने का पर्व है। ऐसे बंधन को बांधना जिस बंधन से मुक्त कर दे। व्यवहारिक नियम भी हमें निर्बंध को दिखाने वाले हैं और निर्बंध हमें निर्बंध करने वाला है। ये इन नियमों को अपने जीवन में लाना, तुम्हारी सहज रक्षा हो जाएगी। देव पूजा, गुरु उपासना, देव पूजा को कोई ने राखी बांधी आज? देव पूजा को राखी बांधना मतलब उसका नियम लेना। गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ताप और दान, ये तुम्हारे रक्षा सूत्र है। व्यवहारिक बाहर से बचाएंगे, परमार्थ में तुम सुरक्षित हो जाओगे। परमार्थ पूजा, परमार्थ गुरु उपासना। इसलिए अपने जीवन नियम और संयमों से सजाना, सुरक्षित चैतन्य में रहना, तुम्हारा रक्षाबंधन सार्थक हो जाएगा। रक्षाबंधन पर्व की